आज हम आपके लिए अमृतसर के अंदर एक 250 स्क्वायर यार्ड का ग्राउंड फ्लोर 3 BHK का अपार्टमेंट लेके आए हैं। काफ़ी अच्छे प्राइम लोकेशन के ऊपर ये अपार्टमेंट है और काफ़ी अच्छे तरीके से ये पूरा घर बनाया गया है। घर के अंदर एंटर करते ही सबसे पहले लॉबी एरिया है। प्रॉपर आप देखिए फ्लोर के ऊपर विट्रीफाइड टाइल लगाई गई है। दीवारों के ऊपर आप देखिए PVC पैनल लगाए गए हैं। पूरे घर को अच्छे तरीके से पूरा डेकोरेट किया गया है। छत के ऊपर आप देखिए POP का काम किया गया है। लॉबी के राइट साइड पे आप देखिए ड्राइंग रूम की काफ़ी अच्छी स्पेस दी गई है। काफ़ी अच्छा बड़ा ये ड्राइंग रूम है। ड्राइंग रूम के अंदर आप देखिए प्रॉपर सोफा सेट लगाया गया है। रोशनी वेंटिलेशन के लिए काफ़ी बड़ी विंडो दी गई है। इसके अलावा आप देखिए ड्राइंग रूम के अंदर काफ़ी अच्छे डेकोरेटिव पीस लगाए गए हैं। सामने आप देखिए एक बुकशेल्फ क्रॉकरी की अलमारी बनाई गई है। एक दीवार के ऊपर वॉलपेपर लगाया गया है। काफ़ी अच्छे कर्टन यूज़ किए गए हैं। काफ़ी अच्छा स्पेशियस ये लिविंग रूम बनाया गया है। बहुत ही अच्छे तरीके से इस घर को मेंटेन किया गया है। ड्राइंग रूम के ऑपोजिट ही आप देखिए डाइनिंग एरिया है और फ्रंट की तरफ किचन दी गई है। ये एक आप देखिए कंसोल रखा गया है। किचन के अंदर आप देखिए यू शेप का काउंटर बनाया गया है। प्रॉपर वुडवर्क का काम कंप्लीट किया गया है। रोशनी वेंटिलेशन के लिए विंडो दी गई है। काउंटर के टॉप पे ब्लैक ग्रेनाइट लगाया गया है। डबल बोल का सिंक है। पूरा वुडवर्क का काम कंप्लीट किया गया है। आप डिटेलिंग से इस पूरे काम को देखिए। काफ़ी अच्छी स्टोरेज की स्पेस किचन के अंदर दी गई है। प्रॉपर चिमनी हॉप लगाया गया है। इसके अलावा आप देखिए ये पूरी लॉन्ग यूनिट बनाई गई है। इसके अंदर माइक्रोवेव वगैरह रखने के लिए अलग से स्पेस दी गई है। पूरे घर का लेटेस्ट रेनोवेशन करके इंटीरियर करवाया गया है। आइए आपको बेडरूम दिखाते हैं। बेडरूम के अंदर आप देखिए डबल बेड विद साइड टेबल लगाया गया है। काफ़ी अच्छे ग्रे टोन का इसके अंदर सारा वर्क किया गया है। दीवार के ऊपर आप देखिए डिज़ाइनर पैटर्न बनाए गए हैं। रोशनी वेंटिलेशन के लिए काफ़ी बड़ी विंडो दी गई है। बेड के अपोजिट आप देखिए TV यूनिट दिया गया है और बैठने के लिए एक सोफ़ा सेट दिया गया है। साथ में ड्रेसिंग टेबल लगाया गया है। रोशनी वेंटिलेशन के लिए काफ़ी बड़ी विंडो है इस कमरे के अंदर। इस अपार्टमेंट को आप चाहे तो फुली फर्निश्ड भी खरीद सकते हैं और आप चाहे तो इसको सेमी फर्निश्ड भी खरीद सकते हैं। दोनों ऑप्शन अवेलेबल हैं। लॉबी एरिया में भी रोशनी वेंटिलेशन के लिए काफ़ी बड़ी विंडो दी गई है। इसी के साथ अटैच एक बाथरूम भी दिया गया है। बाथरूम के अंदर आप देखिए प्रॉपर फ्लोर वॉल टाइल लगाई गई है। इसके अलावा PVC पैनल का काम किया गया है। रोशनी वेंटिलेशन के लिए रोशनदान दिया गया है। प्रॉपर इसके अंदर पूरी बाथरूम की फिटिंग इंस्टॉल है। आइए आपको मास्टर बेडरूम दिखाते हैं। काफ़ी सुंदर इसके अंदर डबल बेड लगाया गया है। प्रॉपर डाउन सीलिंग का काम किया गया है। फ्लोर के ऊपर विट्रीफाइड टाइल लगाई गई है। रोशनी वेंटिलेशन के लिए विंडो दी गई है। बेडरूम के अंदर आप देखिए फुल लाइट की वार्डरोब बनाई गई है। साथ में ड्रेसिंग टेबल है। काफ़ी अच्छी स्टोरेज की स्पेस दी गई है। बेड के ऑपोजिट देखिए काफ़ी सुंदर TV यूनिट बनाया गया है और सिटिंग के लिए सोफा सेट दिया गया है। काफ़ी अच्छे बड़े साइज का ये मास्टर बेडरूम है। पूरा ही इसको इंटीरियर से डेकोरेट किया गया है। इसी के साथ अटैच बाथरूम है। काफ़ी अच्छे तरीके से वेल मेंटेन है भी बाथरूम में। प्रॉपर वॉल टाइल और फ्लोर टाइल लगाई गई है और पूरी बाथरूम की फिटिंग इंस्टॉल है। हमारी दी इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अनलॉक सुपर प्रॉपर्टी बेल आइकन को प्रेस कीजिए। लाइक एंड शेयर कीजिए। इसी तरह की हिडन इन्फॉर्मेशन हम लोग आपके लिए लेके आते रहते हैं और काफ़ी अच्छी प्रॉपर्टी की ऑप्शन हम लोग आपके लिए लेके आते रहते हैं। आइए अब आपको थर्ड बेडरूम दिखाते हैं। थर्ड बेडरूम जो है वो अभी बच्चों का कमरा बनाया गया है। उसी के अकॉर्डिंग कलर से इसको डेकोरेट किया गया है। वाइट और ब्लू कलर की थीम के अंदर ये पूरा कमरा तैयार किया गया है। रोशनी वेंटिलेशन के लिए देखिए विंडो दी गई है। प्रॉपर डबल बेड लगाया गया है। वॉल के ऊपर आप देखिए काफ़ी अच्छा पैटर्न बनाया गया है। साथ ही स्टडी टेबल लगाया गया है। फुल लाइट की इसके अंदर भी स्टोरेज वार्डरोब बनाई गई है। स्टडी टेबल देखिए विद ओवरहेड। बैठने के लिए सिटिंग के लिए सोफा सेट दिया गया है। फुल लाइट की वार्डरोब है। काफ़ी अच्छी स्टोरेज है। इसी के साथ एक स्टोर एरिया दिया गया है। घर का काफ़ी एक्स्ट्रा सामान आप इस स्टोर के अंदर रख सकते हैं। काफ़ी अच्छी स्पेस दी गई है। इस बेडरूम के साथ भी अटैच बाथरूम दिया गया है। काफ़ी अच्छा बड़े साइज़ का ये बाथरूम है।
अगर आप इस प्रॉपर्टी को देखना चाहते हैं, विजिट करना चाहते हैं, परचेज करना चाहते हैं, तो आप हमारे दिए नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिए। काफ़ी अच्छी प्राइम लोकेशन के ऊपर ये अपार्टमेंट है, ग्राउंड फ्लोर का ये अपार्टमेंट है। आइए आपको बैक यार्ड एरिया दिखाते हैं। ग्राउंड फ्लोर का अपार्टमेंट होने की वजह से इसके अंदर आपको बैक यार्ड भी मिलता है और फ्रंट एरिया भी मिलता है कार पार्किंग के लिए। काफ़ी अच्छी स्पेस दी गई है, इसको आप अपना ऐसे वॉशिंग एरिया के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। इस अपार्टमेंट का जो एरिया है वो तकरीबन 250 गज के करीब होता है। अगर आप इस प्रॉपर्टी को देखना चाहते हैं, विजिट करना चाहते हैं, परचेज करना चाहते हो, तो आप हमारे दिए नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिए। ये ग्राउंड फ्लोर का 3 BHK का HIG का अपार्टमेंट आपको न्यू अमृतसर के अंदर हाउसफेड के अपार्टमेंट सोसाइटी के अंदर लोकेटेड है। इसकी कीमत अगर आप इसको फुली फर्निश लेते हैं तो 65 लाख रुपये है और सेमी फर्निश लेते हैं तो 60 लाख के अंदर ही आपको मिल जाएगा। अपार्टमेंट का बाहर का व्यू देखिए, पूरी ये बाउंड्री वॉल गेटेड सोसाइटी है। काफ़ी अच्छे यहाँ पे लोग रहते हैं। फ्लैट के बाहर आप देखिए 8 फुट का गेट लगाया गया है, काफ़ी अच्छा बड़ा बरांडा दिया गया है। बड़े आराम से यहाँ पे आप अपनी कार पार्क कर सकते हैं और काफ़ी अच्छी बड़ी ये स्पेस दी गई है। अगर आप इस प्रॉपर्टी को परचेज करने के अंदर इंटरेस्टेड है तो जल्दी से हमारे दिए हुए नंबर पर कॉल कीजिए। अमृतसर के अंदर अगर आप कोई प्रॉपर्टी सेल परचेज कर रहे हो और आपको हमारी हेल्प की ज़रूरत है तो आप हमें कॉल कीजिए। अगर आपको बैंक लोन की ज़रूरत है उसके लिए भी आप हमें कॉल कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।